मैं इन्वे फाते हैं हमारा अंग्रेज। आज मंडे, हस्बैंड की छुट्टी है, तो आज मैंने हस्बैंड के लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाया है। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं शॉर्ट्स पे डालूंगी, तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल। नया कुछ ट्राई करा है, कैसा लगा? अच्छा है, सॉस फ्रेंड। ये इंशाल्लाह मैं आपको इसको सॉस की रेसिपी भी दूंगी, बहुत जल्दी मेरे चैनल पे आएगी। बहुत वाइट सॉस है, बहुत टेस्टी है फ्रेंड, तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं इसकी रेसिपी आपसे शेयर करूंगी। और मैं मेरा ब्रेकफास्ट भी आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये मेरा ब्रेकफास्ट है, चाय और पराठा। मुझे सॉसेस अच्छे नहीं लगते, तो मैं गाजर और वो खा दी हूँ, और साथ में देखिए चाय पराठा। आइए आप लोग भी नाश्ता करिए हमारे साथ में। बच्चे सो रहे, इंशाल्लाह बच्चे उठेंगे तो बच्चों को भी सेम वो उसके पापा जैसा ब्रेकफास्ट बना के दूँगी। अभी मैं कर रही हूँ क्योंकि जो व्हाइट सॉस मैं आपको बताऊंगा, व्हाइट सॉस आप इस गाजर के ऊपर डाल के खाएंगे ना सलाद, इतना यम्मी लग रहा है। मैं देखिए पराठे के साथ खा रही हूँ उसको, पराठे से भी इतना टेस्टी लग रहा है। फिर इंशाल्लाह मैं आपको सॉस की दोनों की रेसिपी बताऊंगी, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा और खाइएगा। आपके पास सॉसेस नहीं है तो कोई जरूरी, आप चिकन फ्राई कर सकते हैं साथ में, अंडा ले सकते हैं आप इसके साथ में, या फिर आप कोरा सलाद के साथ में ही आप सॉस डाल के भी खाएंगे ना फ्रेंड, तो पराठे से बहुत टेस्टी लग रहा है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार। चलो बिस्मिल्लाह करके निकलो। देखिए फिर अभी हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। ईमान को कुछ स्किन में इन्फेक्शन सा लग रहा है, एलर्जी हो गया उसको, उसको दाने दाने हो गए। हमने दो दिन घर में वेट करा, कोकोनट ऑयल लगाया, लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ा, वो दाने कुछ ज़्यादा ही बढ़े थे, तो हमने सोचा एक बार स्किन के डॉक्टर को दिखा दे, तो हम लोग स्किन के डॉक्टर को दिखाने हॉस्पिटल जा रहे हैं। यहाँ पर शिफा हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं। मैं बच्चों को यहीं पे ही दिखाती हूँ, तो ईमान का भी यहीं पे हमेशा जब भी कुछ होता है तो मैं यहीं लेकर आती इकरा ईमान को, तो हम लोग पहुँच गए हॉस्पिटल। इंशाल्लाह ऊपर जाके आपसे मिलते हैं। वालेकुम। देखिए हमने ईमान को डॉक्टर को दिखा दिया, उन्होंने बोला कि अभी कोई इसको वायरल इन्फेक्शन हो गया, कम से कम एक से डेढ़ महीना उसको ठीक होने में लगेगा। उन्होंने मेडिसिन दी, बोली ये दो दिन इंशाल्लाह से ठीक हो जाएगा। तब हम उसको दिखा के जावेद को लेने जा रहे हैं। ये देखिए शिफा के पीछे ही जावेद का रूम था, तो हम लोग उसको लिया, फिर उसको कुछ शॉपिंग करनी, फिर वो चला जाएगा तो उसको कुछ शॉपिंग भी करवा देंगे, तो फिर वो सब सामान लेके हमारे घर पे आएगा था, ताकि उसकी पैकिंग भी वहीं से हो जाएगी और वो शॉपिंग भी कर लेगा। उसके बाद हम लोग फिर यहाँ से जावेद को लेके हम लोग घर के लिए निकल गए, तो रास्ते में हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके थे। उसको जावेद को यहाँ पर कार्गो के लिए कार्टून चाहिए था, लेकिन जो सा कार्टून चाहिए था वो कार्टून यहाँ पर नहीं मिला, तो हस्बैंड और जावेद दोनों जाके चेक करके आए, लेकिन जैसा चाहिए था वैसा नहीं मिला। फिर हम लोग वापस से फिर घर के लिए आ गए, उनको समझ में नहीं आया, हम लोग फिर से घर की तरफ रवाना हो गए। ईमान की एक मेडिसिन वहाँ नहीं मिली थी, फिर हमने दूसरी मेडिसिन यहाँ फार्मेसी में से ली, तो यहाँ पर उसका वो जो ट्यूब लगाने का वो हमने यहाँ से लिया। उसके बाद फिर हम लोग घर निकल गए। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड, देखिए खाने में बना है चिकन मटर आलू की सब्ज़ी, इसकी रेसिपी इंशाल्लाह आपको शॉर्ट्स पे मिलेगी। अब हम लोग खाना खाने बैठेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह बुशरा भाभी ने देखिए कितना अच्छा सा बेचा, ये शायद तला हुआ गोश है, मूंग की दाल पालक है, ये पत्ता गोभी, गाजर, चिकन की सब्ज़ी। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ वो डेली माशाल्लाह भेजती रहती है भाभी। थैंक यू बुशरा भाभी।
देखिए फ्रेंड, कल हमारी इकरा की फ्रेंड के यहाँ हम लोगों की दावत थी, तो हस्बैंड ड्यूटी पे थे, वो नहीं गए थे, तो उन्होंने देखिए इनके लिए हमें ना बिरयानी पैक, हैदराबादी बिरयानी पैक करी थी, तो हम वो भी गर्म करके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना लग चुका है, आप देख सकते हैं हमने सबने माशाल्लाह सबने बैठ के साथ में खाना खाया, और चिकन की सब्ज़ी बहुत यम्मी बनी थी। आप इसकी रेसिपी ज़रूर शॉर्ट्स पर अपलोड करो, आप जाके देखिएगा। वहाँ पर हम लोग खाना खा के फिर जावेद को लूलू लेके गए थे कि चलो उसको कुछ खजूर और देखनी थी, लेनी थी हम लोग। फिर वहाँ पर लूलू गए, हमने लूलू वहाँ पर देखा कर, लेकिन हमें खजूर जो चाहिए थी वो नहीं मिली, लेकिन जो देखा था तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट में महंगी लग रही थी, तो फिर हम लोगों ने नहीं ली कि चलो देखते कि दूसरी जगह देखें अगर वहाँ कोई मिल जाएगा। तो फिर वहाँ पर थोड़ा हमने से घूमा, उसके बाद देखिए यहाँ पर ओनम का कुछ ओनम फेस्टिवल है, तो उन लोगों ने यहाँ पर कितना ऑफर लगा था। आप सभी को हैप्पी ओनम, जो भी मुझे केरला साइड से देख रहे तो उन सभी को हैप्पी ओनम। और देखिए माशाल्लाह उन लोगों ने यहाँ पर इतना अच्छा डेकोरेशन करा ओनम का, आप देख सकते हैं लुलू में कितना खूबसूरत लग रहा है ये। लुलू से निकलने के बाद फिर हम अल नासिर की तरफ चले गए थे कि चलो देखते हैं वहाँ पर कुछ ऑफर होगा तो बच्चों के लिए या किसी को अगर गिफ्ट देने के लिए से कुछ चाहिए होगा तो वो वहाँ पर कपड़े देख लेगा। तो फिर हम लोग इंशाल्लाह अल नासिर पहुँच के आपसे मिलते हैं। शॉपिंग करनी थी तो हम लोग वहाँ गए थे लेने के। देखिए सबसे पहले वो उसकी बेटी की लिए ड्रेस लेके आए, देखिए ये हुरैन के लिए लेके आए माशाल्लाह। देखिए अभी वहाँ पर ऑफर है फ्रेंड बहुत कपड़ों के ऊपर, तो एक ये लेके आए, एक वो टी शर्ट लेके आए किसी को गिफ्ट करने के लिए, बैग से तो प्लेन ही है। एक मैं ईमान के लिए लेके हुई नाइट ड्रेस, ऑफर में था तो मैं ईमान के लिए भी नाइट ड्रेस लेके, तो एक टी शर्ट है सिंपल, ये इसका ऐसा चेंज होता है, इसे क्या बोलते हैं इसे कुछ तो बोलते हैं फ्रेंड, हमें उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन देखिए ऐसा चेंज हो जाए होता है। तो हमने एक ये ली है, एक ईमान के लिए हमने ये नाइट ड्रेस लिया है जिसका ये टी शर्ट है ऊपर और ये लोअर इसका पजामा है, ऑफर में था तो हमने फिर ये भी ले लिया। देखिए ऐसा ही, और एक हमने ये भी ईमान के लिए लिया है, ये भी एक टॉप है और पैजामा है। नशा का हमें कुछ समझ में नहीं आया था इतना, फिर हमने नहीं लिया, हमने सिर्फ ईमान के लिए दो ड्रेस लिए। देखिए नीचे सा छोट ये पैजामा है, बस इतना ही लिया है। इंशाल्लाह जरूर एक नए ब्लॉग के साथ मिलूंगी फ्रेंड। प्लीज़ हमारे मेरे चैनल को लाइक कीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दुआ में याद रखिए, जितने भी आपके रिलेटिव शेयर कीजिए, और आपको मेरे ब्लॉग के साथ मुझे प्लीज़ कमेंट करिए, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।